हम लोगों की पांचों सीट फिर बरकरार रहेगी। इस बार एक फर्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इस बार के जीत का अंतर पिछली दफा से ज्यादा होगा। मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, दोनों आदमी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, उनके साथ विजय कुमार चौधरी भी पहुंचे थे। और जिस तरह से बात करें कि बैठकें की गई, और उसके बाद जब विजय कुमार चौधरी से सवाल किया गया कि क्या कुछ बातें हुई, जिस तरह से 5 सीटों पर जो सेकेंड चरण में जो चुनाव होना है उसमें तमाम जगहों पर जदयू के लोग ही लड़ रहे हैं, उस पर साफ तौर पर विजय कुमार चौधरी कहते हुए जा रहे हैं कि हम लोग को जीत सुनिश्चित है, 5 सीट पर जीतेंगे और इस बार की मार्जिन होगा जीत को वो बहुत ज़्यादा होगा। और वहीं जिस तरह से 26 तारीख को मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ करें विजय कुमार चौधरी, पहले सुनो उनकी बात। देखिए, दूसरा चरण, सही बात है कि बिहार में दूसरे चरण में जिन 5 क्षेत्रों में मतदान होना है, 5 क्षेत्रों में NDA के तरफ से जदयू के ही उम्मीदवार हैं। और हम लोग पूरी गंभीरता से इस अभियान का अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी संतोषप्रद ढंग से हम लोग का अभियान चल रहा है। और हम लोगों की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से कर सकते हैं कि अभी आपके सामने हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे पार्टी दफ्तर, और आके उन्होंने सारे लोकसभा क्षेत्रों का हाल लिया है, जो ये दूसरा चरण है उसका। और ये तो अब धीरे धीरे समीप आ गया है, इसकी तो तैयारी अभियान सब कुछ अंतिम चरण में है, और बाकी उसके आगे भी हम लोग की रणनीति कैसे चलेगी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से विमर्श किया है और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया है और हम सब लोग मिलके उस पर कर रहे हैं। और अभी तक की जो सूचना है ये जान लीजिए कि न सिर्फ ये हम लोगों की 5 सीट फिर बरकरार रहेगी, इस बार एक फर्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इस बार के जीत का अंतर पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा। यही हम लोगों के अभी तक जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है उसका मतलब लब लुआब जो कहते हैं वो यही है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखा क्या और NDA के पक्ष में वोट करने को भी कहा क्या? ये तो स्वाभाविक बात है, चुनाव के समय में पहले भी मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी और चुनाव समय में चुनाव अभियान के एक तरीके के रूप में सरकार और ख़ास तौर से हम लोग के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, हम लोग आम मतदाता को, आम आवाम को बताते रहे हैं। और ये काफ़ी एक तरह से सशक्त तरीका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। हम अपनी उपलब्धियों के साथ हर घर हर परिवार तक पहुंच रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा असरदार पहले भी रहा है, इस बार भी रहेगा। मुंगेर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं क्या? 26 को है प्रधानमंत्री आ, मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, दोनों आदमी रहेंगे। मैंने सुना विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर स्पष्ट बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 26 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। और जिस तरह से कहा जाए कि जो 5 सीट पर जो चुनाव होना है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5 सीटें जो हम लोग जीत रहे हैं। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 नेशन के साथ, नमस्कार।